पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग की बात बताई गई थी उनके कुछ और नाम भी हैं एंड देयर आर मोर सैंपलिंग टाइप्स जो हम अब देखेंगे और जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के अंदर भी कंसिडर होती हैं सो so, अब हम जो उन्हीं सैंपलिंग टाइप्स को दोबारा से देखते हैं और उसके अंदर एडिशन करते हैं मिसाल के तौर पर हमने रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग पढ़ा था इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ही ये है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ठीक है और इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दूसरी वाली को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि हर हर बंदे को यानी कि पॉपुलेशन के हर डेटा पॉइंट के चांसेस हैं सेलेक्ट होने के यानी कि पूरी पॉपुलेशन की जो आप कह सकते हैं कि टिकट उनके पास है और उनके जीतने के चांसेस हैं

फिर इसके अलावा स्नोबॉल सैंपलिंग जिसकी मैंने आपको ये वाली एक्जाम्पल दी थी इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर स्नो बॉल सैंपलिंग जो है इसको स्पेसिफिक करना हो तो आप स्नो बॉल सैंपलिंग भी कर सकते हैं यानी कि एक बंदे का पता चला फिर दूसरे बंदे का पता चला फिर उससे अगले बंदे का पता चला तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग आपको भी पता है कि जब ऊपर से पहाड़ से कोई स्नो बॉल छोटा सा आता है नीचे आते 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 वो बड़ा होता जाता है तो मतलब ये आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आपका सैंपल बड़ा होता गया दिस इज कॉल्ड स्नो बॉल सैंपलिंग ठीक है और इसके बाद आपको पता है जो बहुत ही मशहूर जमाना है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है कोटा सैंपलिंग ठीक है सो टाइप्स जो है सैंपलिंग की ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आई इन अन इंटेंशनल स्किप्ट इन द लास्ट वीडियो तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग की होती है नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अब ये आपको कहां पर मिलेगा पूरे का पूरा जो सैंपलिंग के ऊपर पूरी की पूरी हमारे पास आर्टिकल जो हमने लिखा हुआ है मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड के पर्पज ऑफ सैंपलिंग बाकी सैंपलिंग और जितने भी हमारी सैंपलिंग टाइप है कहाँ पर हैं तो आप स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे डे नाइन में जाएंगे सैंपलिंग गाइड में चैप्टर नंबर जो टू है चूजिंग द राइट सैंपल ये वहाँ पर आपके पास मौजूद है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नाइन पे चूजिंग द राइट सैम्पल डे नाइन के अंदर तो आप गूगल पे जाके जब कोडेनिक्स डॉट कॉम लिखेंगे तो ये वहाँ पर स्टार्ट होगी ये वाली चीज़ आपके पास हमारी वेबसाइट के ऊपर ये सब कुछ पड़ा हुआ है बाय द वे आपने अगर वेबसाइट एक्सप्लोर नहीं की तो प्लीज़ उसे कर लें टेक दिस टाइम क्योंकि ये एक्सप्लोर करने के बाद आपके पास ये आर्टिकल सारे के सारे लिखे हुए आपके सामने आ जाएंगे ये देखें प्रॉबेबिलिटी सैम्पलिंग है द फेयर गेम प्ले अब हम इस ब्लॉग को आर्टिकल को पढ़ेंगे और आपको मैं अच्छे से बताऊँगा कि प्रॉबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द आर्ट ऑफ चूजिंग सैम्पल क्या होता है ठीक है अब हम क्या करते हैं अक्सर उकात जब हमने सैंपल लेना होता है तो हम चेक करते हैं कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में किसके चांसेस ज़्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल इन प्रॉबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मैंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए नॉन जीरो चांसिस ऑफ बींग सेलेक्टेड ठीक है मतलब किसी के चांसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे ठीक है इट इज़ लाइक अ फेयर लॉटरी वेयर एवरी वन गेट्स अ टिकट पूरे पॉपुलेशन की टिकट होती है जीतता कोई है ठीक है यानी कि सभी के चांसेस हैं सेकेंडली इसके जो टाइप्स हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग अगर देखें तो लकी बाय ड्रॉ ठीक है इसमें क्या होता है एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग चूजन नेम्स फ्रॉम अ यानी कि वो ऐसे वो पर्चियां डाली होती है ना कि सारी पर्चियों में से एक ने ऊपर आना रैंडमली उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग ठीक है कंडक्टिंग अ सर्वे बाय रैंडम सेलेक्टिंग फोन नंबर फ्रॉम अ डायरेक्टरी तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग फिर आती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर आप क्या करते हैं इसको ऑर्डरली अप्रोच कहते हैं जैसे हमारे पास ऑर्डनल डेटा था ना आप यहां पे ऑर्डर को फॉलो करते हैं कैसे करेंगे सिलेक्ट एवरी एंथ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट यानी कि मैं एक लाइन लगा लूं और हमेशा नौवा बंदा मैं सेलेक्ट करता जाऊं जब एंड हो जाए फिर शुरू से स्टार्ट करके नौवा बंदा जब एंड हो जाए फिर शुरू से स्टार्ट करके नवा बंदा सो दिस इज हाउ यू कैन हैव एन आइडिया वो नवां भी हो सकता है दसवां भी ग्यारहवां भी पांचवां भी छठा भी example, factory, आप पे डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी चेक इन अ फैक्ट्री इंस्पेक्टिंग एवरी टेंथ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली लाइन यानी कि आपकी शर्ट्स बन रही हैं गारमेंट्स की फैक्ट्री लगी हुई है ठीक है टी शर्ट्स बन रही हैं आप हमेशा दसवीं शर्ट को चेक करते हैं टू चेक द क्वालिटी तो ये होती है सिस्टमेटिक सैंपलिंग देन आती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द मिनी ग्रुप इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है प पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर ग्रुप जिनको हम स्ट्रेटा कहते हैं दैट शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स एंड सैंपल आर टेकन फ्राम ईच स्ट्रेटा फॉर एग्जाम्पल अ पोलिटिकल सर्वे स्ट्रटिफाइड बाई एज ग्रुप टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटेशन अक्रॉस डेमोग्राफिक्स मिसाल के तौर पर आप एज ग्रुप बना ले अगर आपने पॉलिटिकल सर्वे करना है डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप्स का कि यूथ जो है वो किस पार्टी की तरफ है बूढ़े लोग किस पार्टी की तरफ हैं जो बिल्कुल मिडिल एज हैं वो किस पार्टी की तरफ हैं तो आप 18 साल से 20 साल कर लें uh, 18 से 25 कर लें 26 से 30 कर लें और 30 से 50 कर लें देन 50 से ऊपर वाले कर लें तो दिस विल शो यू कि हमने हर किसी से सैम्पल लेना है ये ना हो कि सिर्फ बुढ़े लोग हम लेके कह दें कि सारे के सारे इस पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक फिर हमारे पास आती है क्लस्टर सैम्पलिंग क्लस्टर में आप क्या करते हैं इसको मिनी एचर बोलते हैं हम ऑन द अदर साइड आप क्या करते हैं डिवाइड द पॉपुलेशन इन टू क्लस्टर्स एंड रैंडमली सेलेक्टिंग इंटायर क्लस्टर रिसर्चिंग वोटर्स जो हमारे वोटर हैं ओपिनियन बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिक नेबरहुड विद इन अ सिटी ठीक है सो आप सिर्फ वोटर ओपिनियन सेलेक्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक नेबरहुड सेलेक्ट कर लें और वहां पे जाके आप चेक कर लें कि जी ये वाले हमने स्पेसिफिक नेबरहुड्स में चेक किया कि फ्लां पार्टी जो है वो जीत रही है इलेक्शन में या ओपिनियंस ऑफ वोटर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी इसको बोलते हैं जो आपकी है क्लस्टरिंग क्लस्टर सैम्पलिंग सेंप, फिर हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आती है जिसको हम द टारगेट चॉइस भी बोलते हैं इसको क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस सैंपलिंग इसकी जो पहली टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि सभी को बराबर चांसेस नहीं मिलते सिलेक्शन के तो so इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम्पल है कि जो फ्रूट नीचे लटक रहा होता है आप उसी को जल्दी तोड़ लेते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंस है वो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल एक, एक ट्री पे गए हैं आप खुद से आपने फ्रूट तोड़ने तो आप क्या करते हैं जो लो हैंगिंग होता है आप खड़े खड़े तोड़ लेते हैं क्यों क्योंकि कन्वीनियंस है आपके पास तो इस तरह के जो सैंपलिंग जो बिल्कुल आपके आसपास पास हो लोग उनको जब आप सैंपल करने के लिए अपने पास बुलाएं तो इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग ठीक है इसकी एक और एग्जाम्पल यह भी है कि आप सर्वे कंडक्ट करें विद पार्टिसिपेंट्स हु आर अवेलेबल जो आपको कहते हैं ले लो इंटरव्यू लाइक स्टूडेंट्स इन ए क्लास रूम जजमेंटल यापजेज सैंपलिंग एक और टाइप है जिससे हम क्या करते हैं एक्सपर्ट चॉइस देखते हैं द एक्सपर्ट चॉइस ठीक है रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट टू चूज द सैंपल फॉर एक्साम्पल अ जर्नलिस्ट हैंड पेकिंग एक्सपर्ट्स टू इंटरव्यू ऑन ए स्पेशलाइज टॉपिक मिसाल के तौर पर किसी भी हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई इंटरव्यू चलना है और वो जजमेंटल हुए हैं कि फ्लाह बंदा क्या टका के बोलता है रेटिंग भी आला आती है उसको देखो समझ रहे हैं बात को तो वो क्या करेंगे उनको बुला लेंगे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए या डिफरेंट किस्म के ओवर सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें आप सिर्फ उन लोगों के बुलाएँ जो एक्सपर्ट्स हों आप जज जज करें उनको कि यार इसे बहुत कुछ आता है और ये बेहतरीन तरीके से हमें राय दे सकते हैं समझ आ गई बात की सो दिस इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैंपलिंग देन आपके पास आती है स्नोबॉल सैंपलिंग जिसमें हम द नेटवर्किंग वेब बनाते हैं स्नोबॉल क्या होता है एक का सैंपल लिया और फिर आगे आगे दूसरे का तीसरे का चौथे का उसके थ्रू आप चले गए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप कैंसर का रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी एक नॉन पेशेंट के पास जाएंगे उसे कहेंगे कि यार किसी और का बताओ वो कहेगा हाँ हम कीमोथरापी के लिए गए थे वहाँ पे बंदा बैठा हुआ था उससे मिलने वो कहेगा फलां को मिलने फलां को मिलने तो आपका सैंपल इंक्रीज होता जाता है इंक्रीज होता है जाता है और आहता आहिस्ता आपके पास जितने रिक्वायर्ड सैंपल्स आपको चाहिए वो मिल जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए ठीक है देन कोटा सैम्पलिंग आ जाता है और कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है द प्रोपोर्शनल मिमिक होती है ये बेसिकली हम इसको आप क्या करते हैं इंश्योर दैट द दैंपल रिफ्लेक्ट सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन सिमिलर टू द स्टर्टिफाइड सैंपलिंग बट नॉन रैंडम मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी के एडमिशन है आप सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन देना चाहते हैं जो सौ फॉर एग्जाम्पल पंजाब से हों जो तीस हैं वो कराची से सिंध से हों जो बीस हैं वो हों से फॉर एग्जाम्पल केपी के -पी से और जो बाकी दो तीन हैं वो बलूचिस्तान से या जी बी से हों सो so इस तरह का जब आप कोटा लगाते थे तो उसको कोटा सैम्पलिंग भी बोलते हैं ठीक है सो so कोटे का मतलब आप स्पेसिफाई कर दें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और उसमें से फिर सैंपल लें ठीक हो गया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सैम्पलिंग हमें लेना बहुत ज़रूरी होती है सैंपलिंग के बगैर हमारा गुजारा नहीं है और जो सैंपलिंग की टाइप्स थी हमने ईजी पिजी होकर पढ़ ली हैं अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आपने अब जो काम करना है मैं आपके सामने आपको दिखा देता हूं पहले आपने यहां पर जाना है ठीक है यह जो सैंपलिंग गाइड है वन टू थ्री चैप्टर यह तीनों पढ़ने हैं ठीक है क्यों चाहिए आपको सैंपलिंग और किस वजह से चाहिए फिर डे टेन में यह मैंने बाकी चैप्टर्स भी अपलोड कर दिए हैं कि सैंपलिंग का क्या क्या फायदा है ठीक है और ये जब आप ये सैम्पलिंग गाइड पढ़ लेंगे डे नाइन की एंड डे टेन की तब आपको अंदाज़ा होगा कि सैंपलिंग बहुत ज़रूरी है और डेटा कलेक्शन के लिए हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स को सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ तक इस लेक्चर को हम स्टॉप